Hello students, now we are on Indian economy since 1950 to 1990, chapter 2, part 2 of standard 12, economics. Part 1 mein hum logo ne cover kiya tha about the 5-year plans, about the objective of 5-year plans, about the reforms that were taken in agriculture and further agriculture policies. Ab yahan pe hum take off karenge green revolution. 1960 se pehle ka ek phase Hindustan ka ek aisa phase tha. 1960 से पहले हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर एक उस मुकाम पे थी जहां पे इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री थी, बट 1960 में एग्रीकल्चर कंट्री होने के बाद भी हम लोगों को बहुत सारा फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ता था. सो बीइंग अ एग्रीकल्चर कंट्री, जब हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स ही इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट वॉज रियली अ मैटर और यू कैन से अ सैड पार्ट. इसलिए हमने लॉन्च किया मिड 1960 में a green revolution. Green revolution, as the name itself suggests, green revolution. Ye mid 1960 mein aaya, yahan pe kharif crops ke andar aaya, mid 1960 mein aaya, aur iska main purpose tha India mein agriculture growth ko badhana, India mein agriculture growth ko develop karna. Ye kehna ki hum agriculture country hai, agriculture country hone ke baad kam az kam hamare paas agriculture to bharpoor hona chahiye, itna to ho bhale export na kare, khud ka kaam to sara chale. So 1960 mein, mid 1960 mein a green revolution launch kiya gaya. Ye teen crops pe launch kiya gaya tha, wheat, rice or maize. Wheat, rice and maize. Green revolution ko hum package program bhi bolte hain. Package program ke andar government ne yahan pe char cheezon ka package diya gaya tha. Ek isme tha HYV seeds. HYV seeds ka matlab high yield variety seeds. High yield variety seeds. दूसरा chemical fertilizers, तीसरा pesticides and fourth was irrigation. So first was HYV seeds, high yield variety seeds. दूसरा was chemical fertilizer, third was pesticide and the fourth was irrigation. इन चार चीजों का एक पैकेज था जिस पैकेज को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ पैकेज प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ package of 4, HYV seeds, high variety seeds, chemical fertilizers, pesticides and the fourth is irrigation. It was launched in mid 1960 during the kharif season. It was launched for 3 main crops, wheat, rice and maize. ये एक एक्सपेंसिव प्रोग्राम था बिकॉज इसमें जितनी भी इनपुट्स हैं, HYV सीड्स ले लो, केमिकल फर्टिलाइजर्स ले लीजिए या पेस्टिसाइड्स ले लीजिए, तीनों के तीनों बहुत एक्सपेंसिव थे. इसलिए एक साथ तो इसको पूरे इंडिया में लॉन्च नहीं किया जा सकता था, तो इसको दो फेजेस में लॉन्च किया गया. फर्स्ट फेज वॉज फ्रॉम मिड 1960 टू 1970. First phase, mid 1960 to 1970, ये पहले लॉन्च किया गया पंजाब के अंदर. उसके बाद सेकेंड फेज आया मिड 1970 टू 1980, जिसमें कवर किया गया हरियाणा, मध्य प्रदेश, फर्दर यूपी ऑल्सो, सम पार्ट्स ऑफ यूपी टू. अगेन इट वॉज द सेकेंड फेज एंड दिस ग्रीन रेवोल्यूशन प्रूव टू बी अ ग्रेट सक्सेस. This green revolution proved out to be a great success. अब हम जानते हैं ये इसके positive effects क्या थे, इसके negative effects क्या थे. तो सबसे पहला, green revolution was a great success. हमारी agriculture, crop production बहुत increase हुआ, बहुत मतलब इतना increase हुआ कि हमारे पास marketable surplus हो गया. marketable surplus का मतलब होता है जितना total production हुआ, उस प्रोडक्शन में से कंजम्पशन माइनस कर लो, उसके बाद भी क्रॉप इतना बच गया, दैट वाज अ मार्केटेबल सरप्लस. अब इसके बाद गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक क्रिएट किया, बफर स्टॉक कि अब दोबारा से कभी कोई ऐसी विपदा आए तो कंट्री इज हैविंग इनफ फूड ग्रेन्स, इनफ ऑफ व्हीट, इनफ ऑफ राइस, इनफ ऑफ मेज कि वो अपने कंट्री को, कंट्री के लोगों को पाल सकती है. सो दिस वाज द सेकंड फेज, सेकंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, कंट्री ने बफर स्टॉक क्रिएट कर लिया. उसके बाद दिस आल्सो बेनिफिटेड द लो इनकम ग्रुप. इट आल्सो बेनिफिटेड द लो इनकम ग्रुप. लो इनकम ग्रुप जिनकी खेती बहुत छोटी थी,
उनको भी इसने बहुत फायदा दिया बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्शन इससे बहुत इंक्रीज हुआ. अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं. पहला नेगेटिव एस्पेक्ट आता है लिमिटेड कवरेज. लिमिटेड कवरेज का मतलब ये दो तरह से लिमिटेड कवरेज में था. लिमिटेड कवरेज का मतलब ये जो लॉन्च हुआ इट वॉज ओनली इन सर्टन स्टेट्स ऑफ इंडिया. Only in certain states of India, इसका कवरेज बहुत कम था. दूसरा it was just limited to few crops, crops like wheat, crops like rice, crop like maize. Further, it was very expensive. सारे inputs were highly expensive. And fourth, it created inequality. How it created inequality? एक farmer जो ये green revolution adopt नहीं कर पाया बिकॉज उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो ये सारे इंपुट्स जो एक्सपेंसिव थे खरीद पाता. और एक फार्मर जो ये एडॉप्ट कर पाया, बड़ा फार्मर एडॉप्ट कर पाया. एक तो पहले बड़ा फार्मर था, पहले रिच फार्मर था, उसने ये एडॉप्ट किया, उसकी फसल तो 20 गुना बढ़ गई. और ये फार्मर वहीं का वहीं जिससे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई. सो दीज वर द फ्यू लिमिटेशंस और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. अब इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा सब्सिडी के ऊपर. सब्सिडी तो पहले जान लेते हैं सब्सिडी है क्या. तो सप्लाई ऑफ सर्टेन इनपुट्स, टू द फार्मर्स एट लोअर देन द मार्केट प्राइस. सप्लाई ऑफ सर्टन थिंग्स कह लीजिए, बाय द गवर्नमेंट एट लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस. सप्लाई ऑफ सर्टन इनपुट या सप्लाई ऑफ सर्टन थिंग्स बाय द गवर्नमेंट एट लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस. सरकार 100 में खरीद के लाती है, सरकार को 100 में पड़ता है, देती 70 में है, 30 रुपया अपनी पॉकेट से डालती है, इसको सब्सिडी बोलते हैं. सरकार 30 रुपीज की सब्सिडी देती है, सरकार 100 में लाती है, आगे उसको सिर्फ 70 में देती है, लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस, इसको सब्सिडी कहा जाता है. अब आते हैं सब्सिडी के ऊपर, एक डिबेट है, सब्सिडी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स. सम आर्ग्यूमेंट्स आर इन फेवर ऑफ सब्सिडी, सम आर्ग्यूमेंट्स आर अगेंस्ट सब्सिडी. तो पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इन फेवर ऑफ सब्सिडी. तो सब्सिडी के फेवर में जो पहला आर्ग्यूमेंट हमारे पास आता है वो है मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर पुअर. Most farmers in India are poor and they cannot buy or they cannot afford to buy the various inputs. वो नहीं buy कर सकते. इसलिए सरकार बोलती है प्लीज आप शुरुआत तो करो, 100 का माल 70 में दूंगी, 30 रुपया मैं पॉकेट से डालूंगी, बट एक दफा आप इनपुट्स खरीद लो, बीज खरीद लो, फर्टिलाइजर खरीद लो, पेस्टिसाइड खरीद लो. पैसे का सोच के रुको मत, अब रुक जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी दे देती है. सेकेंड, सब्सिडी से होता क्या है, सब्सिडी से इनइक्वालिटी बढ़ जाती है. इनइक्वालिटी कम हो जाती है बिटवीन रिच एंड द पुअर. रिच और पुअर की इनइक्वालिटी कम हो जाती है. जो पुअर अभी तक इनपुट्स खरीद ही नहीं पाया था बिकॉज इनपुट्स 100 रुपीज के आ रहे थे, अब सरकार बोलती है आई एम सप्लाइंग इट एट 50% कॉस्ट, मैं आधे रेट पे दे रही हूं, आप इसको ले लो, तो अब शायद पुअर फार्मर भी इस इनपुट्स को खरीद पाता है, इनपुट्स को यूज कर पाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाती है, जिससे इनइक्वालिटी कम होने की संभावना है. अब देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर अगेंस्ट द सब्सिडी. सबसे पहला आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सब्सिडी आता है ये सब्सिडी राइट तरीके से टारगेट नहीं कर पाती टारगेट ग्रुप को. सब्सिडी बनी थी, सब्सिडी की जरूरत थी टू द लैंडलेस फार्मर, सब्सिडी की जरूरत थी टू द स्मॉल होल्डिंग फार्मर, जिसका बहुत लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है, सब्सिडी की जरूरत थी उस फार्मर को जो इंपोर्ट्स नहीं खरीद पाता. बट सब्सिडी तो फर्टिलाइजर के ऊपर है, सब्सिडी तो HYB सीड्स के ऊपर है, इसका फायदा रिच फार्मर भी उठा लेता है. जिसके पास सफिशियंट पैसा था वो 100 में खरीद सकता था, फिर भी अब वो सब्सिडी का लाभ लेके 70 में परचेज कर लेता है. तो सब्सिडी टारगेट ग्रुप को हिट नहीं कर पाती राइट वे में. सेकेंड, वंस द पर्पज ऑफ सब्सिडी इज अचीव्ड,
एक दफा आपका सब्सिडी का पर्पस अचीव हो गया तो सब्सिडी को लिफ्ट कर देना चाहिए. तो यहाँ पे बात करेंगे वंस द पर्पस ऑफ सब्सिडी इज अचीव्ड इट शुड बी रिमूव, बट ऐसा होता नहीं है. इसलिए ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं विच आर अगेंस्ट द सब्सिडी. नाउ वी आर ऑन द लास्ट फेज टू द चैप्टर एंड दैट इज इंडस्ट्रीज. फिर बात करते हैं आजादी की 1947 की. ड्यूरिंग 1947 फेज एक कंट्री डेवलप तब होता जब उसमें इंडस्ट्रीज होती. कंट्री डेवलप तब होता जब वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज खोली जाती, बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते. आजादी के बाद हमारे किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने, किसी भी प्राइवेट इंसान ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, ये जज्बा नहीं दिखाया, ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि हाँ वो आगे आए और एक कंपनी सेटअप करे, एक बिजनेस सेटअप करे, बड़ा बिजनेस सेटअप करे जो रोजगार दे पाए, बड़ा बिजनेस सेटअप करे जो देश की जरूरत पूरी कर पाए. ऐसा कोई भी नहीं कर पा रहा था. ऐसे वक्त में इंडियन गवर्नमेंट को 1947 के दौरान आफ्टर आजादी ये बेड़ा अपने ही कंधों पे उठाना पड़ा. सो फाइनली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेटअप द इंडस्ट्रीज ऑन इट्स ओन, सेटअप द इंडस्ट्रीज ऑन इट्स और टू गिव प्रोवाइड अ बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी. तो सरकार को ही सोचना पड़ा, जब कोई सामने से नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट को ही स्टार्ट करना पड़ेगा. फाइनली हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज खोलने की जरूरत क्या थी. जरूरत थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जरूरत थी बिकॉज इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर. इफ यू वॉन्ट टू डेवलप एग्रीकल्चर यू नीड टू डेवलप द इंडस्ट्रीज. जरूरत थी टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी. हाउ इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी. इंडस्ट्री होगी तो मशीन आएगी, तो 10 दिन में होने वाला काम एक दिन में हो जाएगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. नेक्स्ट टू गिव हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स. नाउ इतना प्रोडक्शन हो ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर पाए. फाइनली प्रमोशन ऑफ रीजनल बैलेंस, इसको रीजनल डिस्पैरिटी भी क्रिएट हो जाती है. लाइक सारी की सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आर इन दिल्ली, आर इन बॉम्बे, आर इन ऑल मेट्रोज. बिहार जाके कोई नहीं खोलता था, तो रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा थी. तो गवर्नमेंट विल से भैया अगर कोई इंडस्ट्री, कोई एरिया डेवलप नहीं हो पा रहा तो जो अंडर डेवलप्ड एरिया है सरकार उधर जाके कंपनी खोलेगी, उधर जाके इंडस्ट्री खोलेगी, जिससे होगा क्या, प्रमोशन ऑफ रीजनल बैलेंस. फर्दर इट लीड्स टू सेल्फ सस्टेनिंग, अगर आज हमें सेल्फ सस्टेन होना है, सेल्फ सस्टेन का मतलब सेल्फ रिलायंट होना है, तो सेल्फ रिलायंट हमें सिर्फ इंडस्ट्रीज ही कर सकती हैं. आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की 1956 के अंदर. इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंदर इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स भी क्लासिफाई किया गया. पहला पार्ट था दैट कंसिस्टेड ऑफ 17 इंडस्ट्रीज. पहले पार्ट में 17 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी, गवर्नमेंट ही खोलेगी. पहला कैटेगरी 17 इंडस्ट्रीज जो सिर्फ सरकार ही खोल सकती है, सरकार ही उसको चलाएगी. सेकेंड वॉज कंसिस्टिंग ऑफ 12 इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टिसिपेशन में, प्राइवेट सप्लीमेंट में, प्राइवेट थोड़ा बहुत इसमें योगदान दे सकता है या सरकार प्राइवेट ओनर से थोड़ा बहुत योगदान लेगी. दीज वर 12 इंडस्ट्रीज जिनके नाम लिखे गए. तो 17 इंडस्ट्रीज खाली गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होंगी, 12 इंडस्ट्री जिसमें थोड़ा बहुत प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा, बाकी इंडस्ट्रीज वर ओपन टू ऑल. तो बाकी इंडस्ट्रीज वर अंडर द थर्ड कैटेगरी. अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो 17 इंडस्ट्री तो सरकार ने खुद के पास रखी, वो सरकार ही चलाएगी. बाकी 12 इंडस्ट्रीज थी जिसमें गवर्नमेंट ही स्टार्ट करेगी, बट प्राइवेट का सप्लीमेंट होगा, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन होगा. थर्ड कैटेगरी थी विच वॉज ओपन टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो पूरे प्राइवेट के लिए था. अब प्राइवेट की इंडस्ट्रीज दे तो दी कि ये सारी इंडस्ट्रीज कोई भी खोल सकता है, बट गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल रखना था उन इंडस्ट्रीज के ऊपर भी. इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. लाइसेंस लेने का मकसद क्या था, कैन गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, गवर्नमेंट कैन कीप कंट्रोल, गवर्नमेंट कैन मेंटेन कंट्रोल ओवर दोज प्राइवेट इंडस्ट्रीज. फर्दर
Next phase was development of small scale industry. Industrial policy 1956 का दूसरा तीसरा बहुत important phase था develop करो small scale industry and the fourth important thought behind the industrial policy 1956 was technical education and training. Promote technical education and training. अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट कंपनीज का क्या रोल था. एज टोल्ड यू अर्लियर, आजादी के बाद ना किसी के पास पैसा था, ना हमने कभी किया था, इतने साल हमने गुलामी अंग्रेजों की थी. अब किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास वो जज्बा नहीं था कि वो आए और इतनी बड़े स्केल पे कंपनी खोले, इसलिए गवर्नमेंट को ये सब कुछ अपने सर पे लेना पड़ा. तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था, सबसे पहला रोल था क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस. क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस. तो गवर्नमेंट ने बोला ओके शुरुआत मैं करती हूँ, मैं रेलवे लगाती हूँ, मैं रेलवे शुरू करूंगी, मैं हाइड्रो पावर प्लांट लगाऊंगी. एक दफा मैं आगे तो आऊं, अगर मैं हाइड्रो पावर प्लांट लगाऊंगी तो मेरे को देखा देखी जो उसमें छोटी छोटी चीजें और लगती हैं वो शायद दूसरी कंपनीज अपने आप खुल जाएंगी, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मेरे को देखा देखी वो भी कदम आगे निकालेंगे. सो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस. सेकेंड वॉज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जिम्मा भी पब्लिक सेक्टर के ऊपर था. थर्ड, एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर खोलना ही था, गवर्नमेंट को कंपनीज खोलनी ही थी बिकॉज जॉब क्रिएशन बहुत जरूरी था. थर्ड वॉज टू क्रिएट जॉब्स. फोर्थ वॉज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन अभी हम आगे पढ़ेंगे. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स हमने पहले भी पढ़ा पार्ट वन के अंदर, जो जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं कब तक इम्पोर्ट करते रहेंगे, अब तो बनाने का सोचिए. सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का भी रोल था. एंड नेक्स्ट वॉज डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज. अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बोला जाएगा तो वो उसी जगहों पर इंडस्ट्री खोलेगा जहां पर उसको सहूलत मिलेगी, जहां पे उसके लिए ईज होगा. बट गवर्नमेंट को उस जगह पे इंडस्ट्रीज खोलनी थी टू प्रमोट दोज बैकवर्ड एरिया. अगर एक बैकवर्ड एरिया में एक भी टाटा जैसी इंडस्ट्री खुल जाएगी तो अल्टीमेटली वो बैकवर्ड एरिया उसी दिन से डेवलप होना शुरू हो जाएगा. एंड फर्दर टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. सो आई एम रिपीटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. द फर्स्ट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस. सेकेंड रोल वॉज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. थर्ड रोल वॉज क्रिएट जॉब्स. फोर्थ रोल वॉज डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड एरियाज. Fifth role was import substitution. And the fourth most important role was prevent the concentration of economic power in few hands. अब आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ये हमने 11th में भी पढ़ा था. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल क्या है. सबसे पहला रोल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे आर मेनली लेबर इंटेंसिव. सो दे आर लेबर इंटेंसिव, दे यूज मोर ऑफ लेबर, हेंस दे कैन प्रोवाइड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड, दे कैन बी स्टार्टेड विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट. दे कैन बी स्टार्टेड विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट. थर्ड, दे यूज द लोकल रिसोर्सेज. Fifth, they are basically more of export oriented. Fifth, and the most important, they provide self employment. जब कोई इंसान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल लेगा तो दो को रोजगार दे देगा और खुद भी सरकार पे अब नौकरी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगा. दिस इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट, दे आर द बेस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का ये बेस है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो छोटी मोटी चीजें चाहिए होती है वो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पूरी कर देती हैं. फाइनली ये बैलेंस रीजनल ग्रोथ देगा. बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब अगर एक बैकवर्ड एरिया में बड़ी इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, ना खोलो, कम से कम 20 छोटी इंडस्ट्री तो खोली जा सकती है, 20 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो खोली जा सकती है. तो एक बड़ी इंडस्ट्री का होना और 20 छोटी इंडस्ट्रीज का हो जाना लगभग उस एरिया को डेवलप कर देगा, वहां पर रीजनल ग्रोथ हो जाएगी. सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. आज हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो फेस सीवियर प्रॉब्लम. ये बहुत सारी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. देवर बहुत सारे चैलेंजेस थे इनके आगे. सबसे पहला था देवर ऑलवेज लैकिंग द फाइनेंस. इनके पास फाइनेंस की कमी थी. बैंक्स भी नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आराम से लोन नहीं देते थे. सेकेंड, देवर शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटीरियल. अगर रॉ मेटीरियल लगता था तो बड़ी इंडस्ट्रीज पहले वो रॉ मेटीरियल खरीद लिया करती थी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रॉ मेटीरियल नहीं बचता. तो फर्स्ट वी थॉट प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. सेकेंड वॉज द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटीरियल. थर्ड वॉज मार्केटिंग डिफिकल्टीज. दे यूज टू फेस द मार्केटिंग डिफिकल्टीज. बना तो लेते थे, मार्केट में बेचना इनके लिए मुश्किल हो जाता था. और जब तक प्रोडक्ट्स और गुड्स बिकेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं.
फाइनली कम्स टू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया करती थी, दे वर यूजिंग द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जिससे इनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी भी कम थी और प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी कम थी. नेक्स्ट, इनको बहुत बड़ा सामना करना पड़ता था. दे हैड टू फेस द कॉम्पिटिशन गिवन बाय द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. आगे हम बात करते हैं, चैप्टर का बिल्कुल लास्ट फेज है, इसको हम ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है. ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसा अपने आप में नाम है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. जो जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, ट्राई टू मैन्युफैक्चर दोज गुड्स इन इंडिया. दो फायदे होंगे, एक जो हम इंपोर्ट करते थे, अब हमें पैसा बाहर नहीं देना पड़ेगा, पैसा भी हमको डॉलर्स में देना पड़ता था, अब हमारे डॉलर्स बच जाएंगे, हमें डॉलर्स को बाहर नहीं देना पड़ेगा. प्रोवाइडेड एंड सेकेंड बेनिफिट, हम खुद बनाएंगे. जब खुद बनाएंगे तो हमारे एक दो इंडस्ट्रीज और खुलेंगी तो रोजगार बढ़ेंगे. तो डबल फायदा होगा अगर हम लोग ये लिस्ट आउट कर लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं. तो ये एडॉप्ट की गई पॉलिसी इन 1950 to 1960 में गवर्नमेंट ने एडॉप्ट किया ट्रेड पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, विच मीन ट्राई टू मैन्युफैक्चर द गुड्स दैट आर इंपोर्टेड From the other countries, उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कीजिए. इसको हम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के नाम से भी जाते हैं, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेन मकसद इट वॉज गवर्नमेंट ने इसमें दो तरीके अपनाए. एक टैरिफ, टैरिफ ऐसा किया कि अब इंपोर्ट कैसे खत्म करिए, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत बढ़ा दी ताकि जो इंपोर्ट करना चाहता है वो ना कर पाए, मजबूर हो जाए, सोचे अब इंडिया में बनाना पड़ेगा. सो इंपोर्ट टैरिफ्स के थ्रू इस पे कंट्रोल किया गया. दूसरा कोटास के थ्रू कंट्रोल किया गया, कोटास के अंदर गवर्नमेंट ने कोटास बनाया. टोटल तो इंपोर्ट हम बैन नहीं कर सकते, जो जो गुड्स वाकई ही कंज्यूमर गुड्स हैं, नहीं खाएंगे टोमेटो केचप, नहीं खाएंगे नेस्ले की मैगी, नहीं आएगी फॉरेन से, हम अपने को बना के खा लेंगे, उन चीजों को जिनको अवॉइड किया जा सकता है उनको तो इंपोर्ट बिल्कुल बैन. हाँ, टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको इंडिया में वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन चाहिए, वो इंपोर्ट कर लो. इसके लिए गवर्नमेंट ने कोटास बनाए, किन किन चीजों को इंपोर्ट कर पाएंगे, किन चीजों को आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे. और इसके रीजन दो थे, सबसे पहले सेव द फॉरेन एक्सचेंज, वैसे ही डॉलर्स हमारे पास नहीं थे. उसके बाद सेव सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मैंने आपको बताया था, जितना हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे हम उन पर निर्भर रहेंगे, उनको भी मालूम होगा दैट दिस इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन देयर कंट्री, तो वो हम पे अपनी बातें मनवा सकती है, जोर दबाव डाल सकती है, हम इतना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे. इसको बोलते हैं सेव सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, एंड दैट वॉज ऑल विद चैप्टर नंबर 2. थैंक यू.